थैंक यू बाबा। वो पूरा खत्म हो चुका था, पूरा घिस चुका था, इसी वजह से अच्छे से ब्रेक पकड़ नहीं रहा था। ये भी गया, ये टूटा, इधर टूटा, ये लाइट ब्रेक हुआ। डिमोटिवेट मत होना, ठीक है? एकदम भाई, होता रहता है भाई, बाइकर से। तो देखा नहीं जा रहा है यार, इसका हालत देखो यार, ये सब जगह पे क्या क्या हुआ है। सो गाइस, एक्चुअल में क्या हुआ था ना, मैं तो जा रहा था व्लॉग करते हुए, लेकिन सामने जो बस था ना वो अचानक से ब्रेक कर दिया यार, और मुझे पता नहीं चला। और राइट साइड में आपने देखा एक लॉरी था, ठीक है, मतलब ट्रक, वो ओवरटेक किया, ठीक है, और टाइमिंग गलत हो गया। और आप अगर कहीं भी अगर जाते हो राइट पे, तो अगर थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर होता है तभी जाके होता है एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट के बाद में मैं गया था यार बाइक को पूरा चेक करने के लिए, और चेक करने के बाद ये सामने आया, रियर और फ्रंट जो डिस्क पैड है गाइस, वो पूरा ख़त्म हो चुका था, पूरा घिस चुका था, इसी वजह से अच्छे से ब्रेक पकड़ नहीं रहा था। तो गाइस, इसी वजह से बहुत क्लोज कॉल हो गया, लेकिन यार जितना ब्रेकिंग करके मैं अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकता था मैंने डेफिनेटली किया, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ गाइस। तो उसके बाद तो यार मैं वहाँ से साइड करते हुए आगे जाके थोड़ा रुका, और मेरा जो राइडिंग ग्रुप था, उस राइडिंग ग्रुप का मेंबर्स को मैंने कॉल किया, और वो लोग मुझे आके पिक करके ले गया। तो गाइस, वहाँ पे एक डेढ़ घंटा मैंने बैठा और पानी वानी पी, उसके बाद धीरे धीरे फिर से सब नॉर्मल होता गया, मैं धीरे धीरे ठीक होता गया पूरा। एक्सीडेंट के टाइम पे पैर पे थोड़ा बहुत लगा था मेरे को, इसी वजह से बहुत तकलीफ हो रहा था, लेकिन बाद में वो मतलब एक डेढ़ घंटे बाद पूरा सब कुछ सही हो गया। सो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं लगभग सही हूँ, अभी एक घंटा हो चुका है, अभी तबीयत थोड़ा बहुत लेकिन ठीक लग रहा है अभी, मतलब पहले ऐसा तबीयत ख़राब नहीं लग रहा है अभी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे सैमी भैया, बहुत सारे व्लॉगर्स आए हैं। देखो यार, मतलब हम लोग बाइकर है यार, रास्ते में निकलेंगे थोड़ा बहुत तो होगा यार, मैंने ब्रेक मार दिया था फिर भी यार बाइक में काफ़ी ज़्यादा डैमेज आया। तो क्या क्या डैमेज है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जगह बेसिकली फट चुका है ये, और लाइट जो है ये बेसिकली टूट चुका है हेडलाइट, और इसका मोटा खर्चा आने वाला है अभी। और इसके बाद फेयरिंग्स इस साइड का भी टूटा भाई, और ये जो है वाइज़र ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, ये विंड ब्लास्ट वाला ये जगह नीचे अभी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ ये वाला जो वाइज़र है, ठीक है, देख सकते हो ये वाला भी गिरा भाई, ठीक है, और यहाँ पे भी पता नहीं इसमें क्या हुआ है ना हुआ है। तो सोच रहा हूँ कि यार यहाँ से निकल के सीधा आदेशदा के पास जाए, या फिर यामाहा शोरूम पे जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। सो गाइस, फाइनली सैमी भाई के साथ मीट हो चुका है गाइस। और गाइस, एक चीज़ है जो शायद आप लोगों को नहीं पता, मतलब हम दोनों मतलब लगभग जहाँ पे रहते हैं एक दूसरे का मतलब मैक्सिमम बहुत क्लोज डिस्टेंस है एक दूसरे का। तो ऐसा है गाइस, और आज आपको पता है यार मेरा एक्सीडेंट हुआ है यार, छोटा सा हुआ है लेकिन हुआ है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है मैंने तुरंत ही सैमी भाई से बात किया, सारा ग्रुप चल गया था, ठीक है, तो सैमी भाई को मैंने बताया सब कुछ यार उस टाइम। ये यहाँ पे भैया वो सामने सामने यहाँ पे ब्लू कलर में, इसमें फेयरिंग वगैरह जो है ये पूरा टूट चुका है, और सामने का ये पैनल जो ये भी गया, ये टूटा, इधर टूटा, ये लाइट ब्रेक हुआ, ये सारा डैमेज हुआ। तो मतलब अभी फ़िलहाल ऐसा है, तो मैंने भाई को पूरा बताया, ठीक है, तो भाई ने बस यही कहा कि भाई एकदम होता रहता है ना, होता रहता
मतलब होता रहता है। और ऐसा भी है गाइस, मतलब मैंने बोला कि दादा मैं सर्विस सेंटर चला जाता हूँ, दादा ने बोला कि मत जाओ वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बिल हो सकता है या फिर ज़्यादा पैसा लग सकता है भाई। मतलब उससे अच्छा सस्ते में भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही सबसे अच्छा है। तो थैंक यू डिमोटिवेट मत होना, ठीक है एकदम भाई होता रहता है भाई, बाइकर्स है आप, ठीक है बिल्कुल सही है भाई, थैंक यू। सच बता रहा हूँ गाइस, मतलब सैमी भाई का बाइक सबसे सेक्सीएस्ट बाइक लगता है मुझे, मतलब टेनार में, मतलब मॉडिफाई किया है, कलर इतना खूबसूरत, मतलब सामने से पूरा अलग दिखता है, जितने भी सारा टेनार है वो सारा टेनार से पूरा का पूरा अलग दिखता है भाई। गाइस हियर इज भाई का रास्ता, भाई बिग फैन, भाई बिग फैन भाई, मैं आपका बिग फैन, स्नैक्स बिस्किट। तो गाइस YouTube में इनका चैनल है भाई का रास्ता, ये बहुत धांसू ब्लॉग बनाता है, ये भाई का प्यार है बस और कुछ नहीं। हम लोग रैंडम मिले थे, ठीक है, रास्ते में चलते चलते ऐसे ही मेरे को देखा, भाई भी अकेले जा रहे हैं, मैं भी सोलो जा रहा हूँ, मिल गया और इतना अच्छा लगा, हम लोग बात बात किए, उसके बाद तो कॉन्टैक्ट उसे शेयर नहीं किए थे, आज फाइनली शेयर कर पाए, तो आज 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 फाइनली भाई से मुलाकात हो गया, ठीक है ना। और ये एक भाई है भाई, ये भी देखो खाना खा रहा है अभी। ये है हमारा अमेजिंग फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, हाँ। इसके ऐसा फोटो और वीडियो कोई नहीं उठाता है। अभी भाई दोनों भाई अभी मिल चुका है और हम लोग देखो यार क्या खाना खा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो फिलहाल हम लोग ये खा रहे हैं। दो तीन घंटे पहले आप लोगों ने देखा एक्सीडेंट हुआ, दो तीन घंटे बाद देखो सीनरियो पूरा चेंज, तो होता रहता है, ऐसे सैमी भैया ने ऑलरेडी कहा ऐसा होता रहता है, बाइकर के लिए बहुत कॉमन चीज़ है यार। तो अभी फिलहाल खाना खा लेते हैं और इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, चलो आप लोग वीडियो पे बने रहो। सो गाइस अभी देख सकते हो भाई का भी फोटोशूट चल रहा है। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, काफ़ी देरी हो चुका है यार, सुपर बाइक सारे निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखो तो देखा नहीं जा रहा है यार, इसका हालत देखो यार, ये सब जगह पे क्या क्या हुआ है, तो देखते हैं यार। तो जाते सोच रहा हूँ आज घर लेके जाऊँ इसको, और कल जाऊँगा यामा सर्विस को, और इसके जितने भी जो भी हुआ है इसको पूरा ठीक करूँगा। तो चलो यार आप लोग वीडियो पे बने रहो, उसके बाद आप लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, चलो। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ और भाई लोग वहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो एक्चुअली आपको पता है मतलब मेरा एक छोटा मोटा हादसा हुआ है मेरे साथ, ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है यार, स्पेशली मतलब हाथ का ब्रेक, ठीक है फ्रंट डिस्क ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है, पैर का ब्रेक फिर भी ठीक है, ब्रेक मार रहा हूँ, काफ़ी दूर जाके बाइक रुक रहा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो यार मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि अगर ब्रेक अगर आपका सही नहीं है तो आप ज़ोर से चला भी नहीं पाओगे, तो और ज़ोर से चलाने का मन भी नहीं है गाइस। ये जो स्पीड है 50-60 है सही है, बाइक चलने के टाइम पे यार बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ सही है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है मेरा, लेकिन असली नुकसान पता चलेगा जब मैं इस बाइक को शोरूम लेके जाऊँगा, तब जाके पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कत आया है यहाँ पे। आज एक्सीडेंट हो रहा है, सब लोग वन बाई वन, सैमीरा भी इवन सब लोग वन बाई वन बोल रहे थे कि भाई तू बच गया ना, तू सही है ना। बस जब आप एक बाइकर होते हो ना तो एक बाइक आपके लिए मतलब सब कुछ होता है। ये मेरा फर्स्ट प्यार है यार, मतलब इसको एक खरोच भी आता है ना तो मैं रो देता हूँ, पूरा डैमेज हुआ सामने से, आप लोग सोच सकते हो कि मेरे अंदर क्या बीत रहा है अभी। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बेटा हमारे यूट्यूबर नाम, थैंक यू, थैंक यू, একদম অসাধারণ, খুব ভালো। হ্যাঁ বাইকার রাস্তা, তো এসে কি বাত কর রা থা ভাই, R15 লেকে ব্লক করতে ভিতরি লেকে, আর দেখো ইয়ার সেম কালার কা বাইক হ্যায় ভাই, বহুত মস্ত লাগতা হ্যায় ভাই, ভাই হ্যায় ঠিক হ্যায়, मुझे देख के बाइक रोक दिया भाई, ठीक है, और भाई कहा कि भाई मेरा वीडियो ऐसे देखता है, ठीक है भाई, और मैं मतलब अचानक शौक हो गया, मतलब
यहाँ पे भाई लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और क्या कहूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा यार पक्का मतलब मुलाकात होगा फिर से। इसके पहले भी ये भाई थे, ठीक है, ये भाई बाइक को चलाया था, ठीक है, और ये पोड़े गले की अबे अरे बाप रे बाप, ये तो हीरो है भाई, हीरो, अरे बाप रे बाप। सो गाइज यार, गोप्रो पे चार्ज पूरा ख़त्म हो चुका था, इसी वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, और अभी मेरे मोबाइल में भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो इसी वजह से मैंने और व्लॉग को कंटिन्यू नहीं करा। अभी मैं घर आ चुका हूँ, अभी मैं पूरा सही सलामत हूँ, तबीयत पूरा सही है गाइस। लेकिन यार मतलब क्या बताऊँ, बाइक को लेकर ना बहुत मतलब टेंशन हो रहा है अंदर अंदर। तो जब तक मैं यामा सर्विस सेंटर नहीं लेके जा रहा हूँ ना, तब तक मैं मतलब ऐसा होगा मेरे साथ, ठीक है, मुझे रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आएगा मेरा, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, और एक चीज़ है गाइज, मतलब अभी ना मतलब 1.5 साल के ऊपर हो चुका है मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, 1 लाख के ऊपर मैं खर्च कर चुका हूँ, लाइक गोप्रो कैमरा, हेलमेट सेटअप, माइक है ना, बहुत सारा खर्चा हो गया है गाइज। सो ना मतलब अभी तक मेरे को चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ, मतलब कभी कभार बहुत बुरा लगता है, कभी कभार लगता है कि नहीं चलो यार मतलब किसी का होगा, मतलब बहुत फास्ट होता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा लेट होगा, लेकिन होगा पक्का ज़रूर, ये मैं पॉजिटिवली ये सोच के यूट्यूब करता हूँ। तो बस इतना ही है गाइस, अगर थोड़ा अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो तो ज़रूर से दिखाना गाइस, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक करके कॉमेंट करके थोड़ा मोटिवेट करना मुझे, और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर, तब तक के लिए प्लीज़ गाइस।